दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूँ। डेली करंट अफेयर क्विज़ में आज हम देखेंगे 8 सितंबर की करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। डेली करंट अफेयर क्विज़ में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स को कवर कराता हूँ, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर होती है। अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा रिविज़न क्वेश्चन है, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 कॉन्टेस्ट में बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड किसे दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। दोस्तों, पहले क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, गाजियाबाद में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर। दूसरा क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है। राइट आंसर रहेगा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट ने ई कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों सिप रॉकेट के साथ में, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर रहेगा 1164.53 करोड़, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मालवीय मिशन शुरू किया है। 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा शिक्षा मंत्रालय ने, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप डेली करंट अफेयर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ओनली टॉप स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, 5 स्टार की रेटिंग करना, उसके बाद में आपको यहां से रेगुलर करंट अफेयर की पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए, मास्टर पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों 6000 क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट के हमने कवर किए हैं, साथ में 2 फ्री पीडीएफ भी दे रहे हैं, यानी कि टोटल 8000 क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल रहे हैं। अभी इसके लिए आपको एक काम करना होगा, 1-2 दिन से हमारी वेबसाइट थोड़ा सा ठीक नहीं चल रही है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज करना है कि सर मास्टर पीडीएफ लेनी है, सिर्फ इतना करना है। हम आपको एक बारकोड भेजेंगे और बारकोड पे आप पेमेंट कर देंगे और अपना स्क्रीनशॉट उसी व्हाट्सएप पे भेज देंगे, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल है, आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे बोलेंगे कि सर मास्टर पीडीएफ लेनी है, हम आपको एक बारकोड भेज देंगे, आप उस पर 170 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे और फिर हमें दोबारा से स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तो आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगी। सबसे सिंपल है ये, व्हाट्सएप नंबर नोट नहीं किया तो यहाँ से कर लीजिए, हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा। 6ठा क्वेश्चन है, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का प्रायोजक कौन बना। तो 6ठे क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा, बिल्कुल महिंद्रा एंड महिंद्रा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, 6ठे क्वेश्चन का सही उत्तर, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट्स इन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों, 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर है, 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 52वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने अपने नाम किया है। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल दोस्तों, हरियाणा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अजरबैजान के बाकू में आयोजित 53rd ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है।
तो 90वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भारत दोस्तों इसमें तीसरे स्थान पर आया, यानी कि 90वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसे वानू आतू देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। 10वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा सातो किलमैन, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग को कौन सा दर्जा दिया है। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी का, यानी कि 11वें का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चांद पर कितने सेंटीमीटर ऊपर उछलकर फिर से लैंडिंग की है। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कर देना। और दोस्तों देखिए, आपको ये वीडियो अगर रेगुलर देखनी है 10 मिनट में 20 करंट अफेयर, तो ये ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पर सुबह 6:30 बजे रेगुलर आती है। चाहे कोई भी दिन होगा दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़रूर मिलेगी। चाहे कुछ भी होगा, वीडियो आपको रेगुलर मिलेगी। तो प्लीज़ इसको फॉलो करिए और अपना एक भी दिन का करंट अफेयर मिस मत करिए, क्योंकि अगर आप रेगुलर देखेंगे तो दोस्तों 10 से 15 मिनट की वीडियो देख सकते हैं, सॉरी आप डेली एक एक डेढ़ घंटे की वीडियो नहीं देख सकते, क्योंकि कई बार बाहर जाना हो सकता है, कई बार अर्जेंट काम हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये वीडियो कभी मिस मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भी शेयर करिए, ठीक है। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 40 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा 12वें क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग का औसत समय घटकर कितने दिन रह गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 10, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में IEPFA ने कहाँ अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, राइट आंसर इज नई दिल्ली, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, 14 क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस AIIMS यानी कि एम्स ने दवाओं टीको सांप्रोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला किया है। दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा 15वें का क्वेश्चन का, तो एम्स पटना ने, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों दिल्ली में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में हेमलेज प्ले ने उत्तर प्रदेश में कहाँ अपना पहला स्टोर खोला है। 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लखनऊ में दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन दी गैंगेज का विमोचन किया गया है। अठारहवें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा राधिका एंगर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है। 19वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा उड़ीसा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर। बीसवां क्वेश्चन है, देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा। तो 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा, 20वें क्वेश्चन का सही उत्तर। अभी यहाँ पे आपको मिलेगा एक होमवर्क का क्वेश्चन, हाल ही में किसने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्या, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। जो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों वो आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा।
आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो आपको अप्रोक्स बताना है, यानी कि लगभग बताना है, कितना एग्जैक्ट नहीं बताना है। 3, 5, 2, 4, कौन सा सही आंसर रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों लगभग 3 साल। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। और वहीं पर अगर मैं एग्जैक्ट समय की बात करूं दोस्तों, तो वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, तो लगभग कितने हो गए? 3 साल। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कल का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, हाल ही में जर्मनी किस देश के विकास के लिए 191 मिलियन यूरो प्रदान करेगा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, बांग्लादेश के। तो ये भी आपको याद रखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, ओनली टॉप स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ से आपको डेली करंट अफेयर की PDF मिल जाएगी। और ऐप को दोस्तों 5 स्टार की रेटिंग जरूर करिएगा। 6,000 क्वेश्चन आंसर्स की जो हमारी मास्टर PDF है दोस्तों, इस मास्टर PDF में आपको 8,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं। और इसमें आपको केवल 170 रुपये का पेमेंट करना है, और ये PDF आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। आप चाहे कितनी बार भी पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको मात्र 170 रुपये में मिलेगी। आपको हमें व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है कि सर मास्टर PDF लेनी है, बार कोड भेज दीजिए। हम आपको एक बार कोड भेजेंगे, उस पर आपको पेमेंट करना है 170 रुपये का, और हमें वापस आपको स्क्रीनशॉट भी भेजना है। उसके बाद में आपको PDF मिल जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।